गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट वन न्यू टॉपिक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैड डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, राइट? उसका रोल क्या है? बेसिकली जो फाइनेंस का बंदा है ना ऑफिस में, द CFOs और द फाइनेंशियल मैनेजर, उनका रोल में क्या क्या आता है? नंबर वन इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन, फ्रॉम वेयर टू बोरो, राइट? वॉट इज द टाइप ऑफ सिक्योरिटी यू आर गोइंग टू यूज? आप शेयर इशू करेंगे कि डिबेंचर इशू करेंगे? उसमें भी आपको ब्लेंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, जब भी आप फंड रेस करते देर इज द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो दिस इज द फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि वेयर यू विल इन्वेस्ट द मनी, मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिस्क, जहां पे रिस्क सबसे मिनिमम हो और रिटर्न मैक्सिमम हो उस प्रोजेक्ट में हम लोग पैसा लगाएंगे। तो दोज आर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो उसके लिए अपने इनिशियल अप्रेजल्स करते हैं। कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हम लोग सीखेगा, देयर आर लॉट ऑफ एनालिसिस मेथड्स वी फॉलो टू डिसाइड वेदर दिस प्रोजेक्ट इज फ्रूटफुल फॉर अस और नॉट। नाउ व्हेनेवर यू सेलेक्ट एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, कि उस प्रोजेक्ट से जो मुनाफा आएगा, द रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, दैट हैज टू बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इफ द रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी हैव सीन इन लेवरेज चैप्टर, अर्निंग पर शेयर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो यू नीड टू हैव योर EBIT ग्रो। EBIT ग्रो कब करेगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। दैट वॉज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी स्पोक अबाउट डिविडेंड डिसीजन, जहां पे वी टॉक अबाउट की वेदर टू गिव डिविडेंड और प्लॉ बैक प्रॉफिट। सो अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक फ्रॉम द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? जब भी हम लोग बात करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो इन दैट केस वी हैव सीन दैट शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन विल बी कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विच द कंपनी इज अर्निंग। इफ शेयर होल्डर हैव मोर बेटर रिटर्न अपॉर्चुनिटी, देन वी शुड गिव डिविडेंड। इफ शेयर होल्डर हैज लेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी इज बेटर, देन वी विल प्लॉ बैक प्रॉफिट्स, राइट? There were different models. Similarly, another important decision, this is one of the most important decision, is working capital management. Now, whenever you invest, right, this is the finance person, right? इस बंदे का काम क्या है? ये issue करता है shares, debentures, किनको? इन्वेस्टर्स को, राइट? रेजेस फंड। तो इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट? देन दिस फंड शुड बी इन्वेस्टेड वेयर? एक होता है रियल एसेट्स, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब, ठीक है? एक हो गया वर्किंग एसेट्स। नाउ सपोज यू कलेक्टेड 1 करोड़ फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एंड उसमें आपने 60 लाख का लैंड खरीद लिया, 20 लाख का फैक्ट्री शेड बना लिया, एंड 20 लाख का मशीनरी बैठा लिया। सो ये 1 करोड़ इज ओवर। नाउ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने से नेक्स्ट डे प्रॉफिट नहीं आएगा। If you install the plant and machinery, if you think that next day you will get profit, it is not like that. You need to buy raw material, you need to arrange laborers, supervisors, right? And accordingly, you need to carry out production activity. So you need to have some kind of funds, some amount of funds which is required for purchase of raw material, or you need to have a very good connect with the suppliers or the vendor. Vendor is a close relative, he can give you goods on credit. Right, and yourself you are engaging in production,
तुमने किसी और को हायर नहीं किया, जैसे हाउस होल्ड लेडीज लोग जब काम करती है घर पे, सो उन वो लोग अपने आप को ही लेबर ट्रीट करती है, एंड देयर प्राइसिंग इज लो देन द मार्केट बिकॉज उनको ये सब कॉस्टिंग पढ़ाई लिखाई उतना आता नहीं है, तो दे डोंट कंसिडर देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि यही टाइम में वो लोग कुछ और कर रही होती है तो दे कुड हैव अर्नड सम अमाउंट, सो दे फॉरगेट टू ऐड देयर लेबर एफर्ट, सीधा वो लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं, राइट। सो कहने का मतलब है, इतना बड़ा जो फैक्ट्री आपने सेटअप किया है एंड आपको प्रोडक्शन करना है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको लेबर लोग को वेजेस पेमेंट करके प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, राइट। सो द पॉइंट इज दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट इन योर रियल एसेट्स, यू नीड टू कीप सम फंड्स फॉर योर वर्किंग एसेट्स एज वेल, राइट। सो ये जो फंड्स हमको वर्किंग एसेट्स के लिए चाहिए, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अमाउंट नीडेड टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वर्किंग कैपिटल, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, यू परचेज रॉ मटेरियल, यू पेड वेजेस, माल बेचा, पैसा आया। नाउ आफ्टर यू रियलाइज मनी फ्रॉम योर कस्टमर्स, अगेन यू आर गोइंग टू री इन्वेस्ट दैट, यस और नो? सो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन नेचर, फाइव इयर्स 10 इयर्स यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड इन नेचर, वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड वंस द फर्स्ट साइकिल इज कंप्लीट अगेन यू हैव टू री इन्वेस्ट द। बट सडनली सपोज आपके पास कोई ऑफर आता है कि भैया 1000 यूनिट दे देंगे क्या, सो देर आर टू थिंग्स, या तो मेरा डिमांड कम है तो मैं उस नॉर्मल जो प्रोडक्शन हुआ उसी में से 1000 सप्लाई कर दू तुमको, मेरे पास माल बना के रखा हुआ है, या आई एम ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, तो 1000 का जो मेरे को एक्स्ट्रा ऑफर आया उसके लिए मेरे को फंड चाहिएगा अलग से, या मेरा गुडविल पे काम हो जाएगा, जो भी समझ लो, अलग से मेरे को रॉ मेटेरियल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो रॉ मेटेरियल खरीदा हूं उससे मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन चला, वो नॉर्मल डिमांड मेरा पूरा कर रहा है, अब यहां पे मेरे को एक्स्ट्रा ऑफर आया है। सो जो मेरे को एक्स्ट्रा ऑफर आया, एडिशनल ऑफर आया, उसको 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 मीट करने के लिए इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑर्डर, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू परचेज मोर रॉ मटेरियल्स, मोर लेबर पेमेंट, ओवर टाइम कराऊंगा, जो भी कराऊं, एक्स्ट्रा वर्कफोर्स बुलवाऊंगा बाहर से, कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर को आप अपना काम के लिए बुलाइए, 10-15 दिन रखिए फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फंड्स चाहिए ये परमानेंटली नहीं चाहिए, पैसा आ गया हो गया काम खत्म, तो जो एक्स्ट्रा ऑफर के लिए जो आपको एक्स्ट्रा फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है, आप किसी दोस्त यार से ले लेते हैं, ये बस 10 दिन के लिए 20 लाख रुपए देना, थोड़ा सा लालच दे देते, तू 20 लाख दे मैं तेरे को 1 लाख दूंगा, क्योंकि इस 20 लाख से मैं 5 लाख कमाऊंगा, 1 लाख तेरे को दे दूंगा, या बैंक से शॉर्ट टर्म बोरिंग ले लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे, राइट। क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यू नीड टू बाय रॉ मटेरियल, यू नीड टू एंगेज लेबर्स, ऐसा तो नहीं हो सकता आप वेंडर को बोलेंगे भैया बिका तो आपको दे देंगे पैसा, नहीं तो आपका माल वापस कर देंगे, कैसे करोगे, क्योंकि वो तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है, उससे तुम खरीदा कर रहा हो मटेरियल, तो जनरली तुमको इनिशियल स्टेजेस में कोई उधारी नहीं देगा। सो ये जो वर्किंग एसेट्स में जो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है जनरली ये फिक्स्ड इन नेचर होता है, लेकिन इन ऑर्डर टू मीट सम एक्स्ट्रा ऑफर, एडिशनल ऑफर्स, देयर इज मोर रिक्वायरमेंट समटाइम्स, सो दैट इज टेम्पोररी इन नेचर। फर्दर व्हाट एवर अमाउंट इज नीडेड, राइट, दिस इज वर्किंग कैपिटल,
बट समटाइम्स क्रेडिटर इज ऑफरिंग यू क्रेडिट पीरियड, तुमको उधारी दे रहा है वो, वर्कर लोग को भी तुमको एक महीना बाद वेजेस देना है सपोज करो, तो इन दैट केस यू मे नॉट रिक्वायर वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए कई बार क्या होता है वर्किंग एसेट्स हम लोग नेट भी कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल डू इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग एसेट्स, इसको अपन करंट एसेट्स भी बोलते हैं, माल खरीद के रखा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, तो ये किस लिए है वर्किंग एसेट्स, इससे हम डे टू डे एक्टिविटी करेंगे, इससे माल खरीदेंगे, वेजेस पेमेंट करेंगे, लेस करंट लाइबिलिटीज। तो ये जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग एसेट्स, इसको बहुत लोग नेट करंट एसेट भी बोलता है, क्योंकि बचपन में इन योर क्लास टू लेवल यू माइट हैव डन रेशियो एनालिसिस, उसमें आपकी क्लासरूम की मैम आपको बताई होगी वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। एक तरफ बोल रहे स्टॉक मैंने खरीदा है, लेकिन दूसरी तरफ लायबिलिटी भी खड़ा है, इसका मतलब आपने जो खरीदा उसके पैसे आपने नहीं भरे हैं, तो रिड्यूस करो, आपका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है वो, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसी का बात करो। ये भी इन्वेस्टमेंट है, बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एसेट्स, वी आर नॉट टॉकिंग इन दिस चैप्टर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू रिक्वायर फॉर योर वर्किंग एसेट्स। बेसिकली वी कैन से दैट कि इतना पैसा मेरा करंट एसेट में फंसा हुआ है, आज कैश रखा हुआ है, इससे और भी काम हो सकता था लेकिन इसको रखना जरूरी है, डेली चाय पानी का खर्चा, डेली वर्कर लोग को मजूरी देना, भाड़ा देना है, कल कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसका पेमेंट करना है, राइट, लॉट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर यू हैव टू डू, एवरीथिंग कैन नॉट बी बॉट ऑन क्रेडिट एंड देन सोल्ड एंड देन रियलाइज एंड देन पे। धंधा वैसे नहीं होता, बिजनेस का मतलब ये घर से पैसा लगाओ, मुनाफा आएगा या तो उसको खा लो, अगेन प्रिंसिपल को पैसा लगाओ, दैट सिंपल इंटरेस्ट, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उसको प्लॉ बैक करो, तब 10 का 12, 12 का 15, 15 का 20 ऐसे होगा, राइट। सो द वर्ड वर्किंग कैपिटल मींस अमाउंट नीडेड टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, लेस या नेट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया था व्हाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड, इन ऑर्डर टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पे वेजेस, पे ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस,
to provide क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर। अच्छा, माल बनाने के लिए पैसा चाहिए, चीज समझो। सपोज करो मैंने 10 केजी खरीदा, ₹100 देके, ₹100 की मजदूरी दी, ₹50 का ओवरहेड दिया, ₹250 अपना जेब से लगाया, 50 का इसमें प्रॉफिट ऐड किया, 300 में माल बेचा, यस और नो? पैसा नहीं आया। एक तो अपने घर से पैसा लगा के मैंने प्रोडक्शन किया, राइट फिर इसको बेचा, पैसा नहीं आया, मतलब फंड्स अभी भी ब्लॉक्ड है मेरा, जो पैसा लगाया था वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। तो अभी तक मैंने जो भी इन्वेस्ट किया था इट इज जस्ट टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर, अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर, अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर। इसके अलावा मेरे पास स्टॉक भी होगा, माल बनते या ऐसा नहीं है, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक काम बंद रहेगा। माल बना, बिका, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ। अलग से स्टॉक पड़ा, वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, स्टॉक प्लस डेटर? प्लस जो कैश पड़ा कैश बॉक्स में, सिंपली इफ यू से कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही वर्किंग कैपिटल है, नहीं ये तो डेटर के पास उधार चला गया, ₹300 फंसा हुआ है, माल और बनेगा ना, अभी किसका वेट करे, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक माल नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता, माल बनते जाता है बिकते जाता है। तो पहले माल बना के बेचा, पैसा नहीं आया, ये फंड ब्लॉक्ड है, और माल खरीदा तो दो बार माल खरीद लिया ना। तो बेसिकली स्टॉक अलग से भी रखा हुआ, स्टॉक डेटर में भी है, यस और नो? इट इज नॉट जस्ट टू परचेस रॉ मटेरियल, इट इज ऑल्सो टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। Is it fine? हाँ, maintain inventories. Inventory भी maintain करना है, right? तो सर मेरे को समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हैं, इन्वेंटरी फंड्स ब्लॉक्ड है, डेटर्स फंड्स ब्लॉक्ड है, कैश फंड्स ब्लॉक्ड है, क्या फंड्स ब्लॉक्ड 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 बोल रहे हैं, आप भी तो किसी से उधार लेके आए हैं। नेट करंट एसेट, राइट? मैं बोल रहा हूं मेरे को पैसे चाहिए परचेस के लिए, झूठा उधार में लाया है, डेटर को माल बेचना है पैसे चाहिए, झूठा पैसा आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
So you need cash for purchase of raw material, you need cash for payment of wages, you need cash for overhead expenses, you need funds to provide credit facilities to customer, you need to maintain some stock also, right? अब स्टॉक भी तीन टाइप का होता है, एक आपका रॉ मटेरियल, मतलब पूरा रॉ कच्चा पड़ा हुआ है, एक बना नहीं है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है, एक बन गया लेकिन बिका नहीं है। कस्टमर ऑर्डर देगा तो उसको क्या बोलेंगे, कस्टमर ऑर्डर देगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैसा लाओ, आप पैसा देंगे तो मैं माल खरीद के लाऊंगा फिर बनाऊंगा, डेढ़ महीना बाद नहीं आएगा तुम्हारे पास। कस्टमर ऑर्डर दिया, कब डिलीवरी देना है, अभी। इसका मतलब क्या है, तुमने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है, देन ओनली यू आर एबल टू मीट द डिमांड। धंधा ऐसे ही होता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, what is working capital management? Working capital समझ में आया? एक तो real assets में investment करना है, एक working assets में investment करना है। थोड़ा सा cash रखना है, जिससे कि आगे का purchase, payment वगैरह होते रहे। Funds चाहिए, क्योंकि debtor को उधार में बेच चुका हूं। Plus inventory भी maintain करना है आने वाले productions के लिए, या आने वाले sale के लिए। तो इन सबको जोड़ूंगा तो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, माइनस इतना रुपए का उधारी बाकी है, माइनस इतना रुपए का वेजेस बाकी है, माइनस इतना रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, करंट लायबिलिटीज, राइट? नाउ व्हाट इज दिस मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल, राइट? पहला जो सवाल होता है, डिटरमाइन वर्किंग कैपिटल। अब ये ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब नीदर टू हाई नॉर टू लो। अगर बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा, तुमने 1,00,000 पीस बना लिया, 1,00,000 पीस का प्रोडक्शन कर लिया, मतलब 1,00,000 पीस का रॉ मटेरियल खरीदा होगा, 1,00,000 पीस का मजूरी भी तुमने दे दिया होगा, तुमने बल्क प्रोडक्शन किया है, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, बहुत ज्यादा पैसा माल बना के रखा हुआ है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। राइट? माल तो धीरे धीरे बिकेगा, डिमांड है क्या उतना? इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आज इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उस पैसे का ब्याज लग रहा है अल्तु में। 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने, तुमको पूरा साल में 1,00,000 का माल बनाना है, तो तुम आज ही बना लोगे क्या? नहीं, आज तुम 10,00,000 का माल बनाओगे बिकेगा, फिर तुम 10,00,000 का माल बनाओगे बिकेगा, फिर तुम 10,00,000 का, तो 10,00,000 रुपए घूम रहा है ना। और एक आदमी कह के पूरा 1,00,000 रुपए एक बार में लगा दिया, बोला पूरा साल में प्रोडक्शन नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता है। कंस्ट्रेंट्स है, पैसा नहीं है, जगह नहीं है, पैसा नहीं है, जगह नहीं। अच्छा बना लिया, खराब होने का डर रहेगा। अगर प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ 2-3 ईयर है तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ 6 महीना है, तो पूरा साल का प्रोडक्शन करके क्या करेगा? आधा ही बेच पाएगा, बाकी आधा तो एक्सपायर हो जाएगा 6 महीना बाद। और अगर बहुत कम रखते हो तुम स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होता है, मतलब तुम्हारे पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, तुम कस्टमर से एडवांस लेके काम करते हो, इसमें धंधा कम मिलेगा। तो ऐसा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए जिससे कि कैरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा ना लगे, आइडल नहीं रहे फंड्स, फंड्स को आइडल रख के फायदा नहीं है। कैश तुम 5,00,000 रुपए ऑफिस में कैश रख के रखा है,
क्या फायदा होगा, ब्याज का नुकसान हो रहा है, एफडी करो, म्यूचुअल फंड करो, कुछ रिटर्न आएगा उसमें? राइट, सो यू कैन नॉट डू प्रोडक्शन फॉर द फुल ईयर, नीदर यू कैन नॉट कीप टू लो कि एडवांस लेके काम करना पड़े ना। तो इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट भी सीखेगा कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है, और उसका मैनेजमेंट पार्ट भी सीखेगा कि इस रिक्वायरमेंट को कम कैसे किया जा सके, जिससे कि मेरा प्रोडक्शन बंद भी ना हो, मेरा सेल का भी लॉस नहीं हो, क्योंकि कस्टमर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है लेकिन तुम्हारे माल ही नहीं है। इसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, प्रॉफिट फॉरगोन ड्यू टू लॉस्ट डिमांड, डिमांड तुमने खो दिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। Is it fine? I guess this is absolutely fine with all of you. Chalo. So working capital is amount required in order to carry out the day-to-day activities. बहुत ज़्यादा working capital रखना नहीं है, बहुत कम भी नहीं रखना है, optimum रखना है, जिससे कि आपका काम चलता रहे। And यहाँ पे इसको working capital को अपने revolving capital भी बोलते हैं। Once you invest, right? Just suppose कैश इन्वेस्टेड एंड रॉ मटेरियल परचेस्ड, ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, प्रोडक्शन आया ना, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, प्रोडक्शन करोगे ना, उसके बाद सोल्ड, राइट। तो एक बार कलेक्शन हो गया, मतलब कैश कलेक्टेड रूटेड टू रॉ मेटेरियल परचेस, क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर, आया ना, गुड्स ऑफर फॉर सेल बट कोई डिमांड नहीं है, रॉ मटेरियल प्रिजर्व्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, एंड ये इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये क्या एक दिन हो जाए, एक दिन में हो जाएगा क्या? सपोज करो तुमको रॉ मटेरियल प्रिजर्व करना पड़ा 10 दिन, जरूरी है
गेहूं खरीद के लाते हो, चक्की का आटा जिसके घर में खाया जाता है, पहले गेहूं को लागे चुगा जाता है, फिर उसको भिगाया जाता है, फिर सोखा जाता है, फिर चक्की वाले को दिया जाता है, तो प्रिजर्व करना पड़ रहा है ना। तुमने चक्की वाले को दिया कितने दिन में? 10 दिन में। अब चक्की वाला प्रोसेस करेगा, उसके बाद पहले से कुछ ऑर्डर होगा, प्रिजर्व कर लिया तुमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करने में 5 दिन लगा दिया, माल बिक जाता है ना, सॉरी माल जब बन जाता है तो उसको बेचना रहता है, तो तुम उससे कुछ सेल्स पॉलिसी बनाएगा, कुछ डिस्काउंट ऑफर लाएगा, बाय टू गेट वन फ्री इस टाइप का, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर सेल्स, राइट? अगर आपके पास रेडी डिमांड नहीं है तो सपोज करो बिकने में लग गया अनदर 7 डे, अब बिक गया 30 डेज में पैसा आया, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? 10, 5, 7, 22 + 30, 52 डेज। हाँ? यस और नो? पूरा एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 52 डेज। मान लो चेक से पैसा आया है, तो जनरली फ्लोट भी होता है 2 दिन का, तुम चेक लेगा, उसको बैंक में जमा करेगा, रियलाइज करेगा, आजकल तो एनईएफटी आ गया, आरटीजीएस आ गया, सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर करो सेम डे पैसा मिल जाएगा, छोटा अमाउंट है तो आईएमपीएस कर दो, जीपे कर दो, क्यूआर स्कैन कर दो, पेटीएम करो, ऐसा है ना बहुत सारा। तो इन आवर एग्जाम्पल इट इज लगभग हम लोग को 54 डेज लग रहा है। तो ये जो साइकिल है ना, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन। इसको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन। इन दिस ड्यूरेशन ये जो रॉ मटेरियल जो प्रिजर्व करना पड़ रहा है, इसको अपन बोलते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? ये जो इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसको बोलते हैं WIP होल्डिंग पीरियड। इसको बोलते हैं हम लोग फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, इसको बोलेंगे हम लोग डेटर्स होल्डिंग पीरियड, इसमें ये फ्लोट भी आ जाएगा। तो अगर आपको कोई शॉर्ट में पूछे WCCD बताओ, इसको WCCD भी बोला जाता है, बहुत जन इसको ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन भी बोलता है। सो इफ समवन टेल्स मी व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन, आई विल टेल इट इज टाइम गैप बिटवीन कैश इन्वेस्टेड एंड
कैश रियलाइज्ड ठीक है, दिस साइकिल कीप्स ऑन रिवॉल्विंग राउंड द ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर टिल बिजनेस कंटिन्यूस, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये साइकिल भी चलता रहेगा। जैसे एक साइकिल कंप्लीट करने में 54 दिन लगा, फिर अगला 54 दिन, ऐसे कर करके साल में लगभग 7 साइकिल कंप्लीट होगा अप्रोक्सीमेटली। 54 × 7 करने से लगभग 378 डेज आता है, हम लोग का 365 दिन है। सो ऑन एन एवरेज हमारा 7 साइकिल कंप्लीट होगा, अगले साल फिर वही चलता रहेगा रोटेशन, इट कीप्स ऑन गोइंग। सो अगर कोई पूछेगा आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन, तो यू कैन सिंपली से इट्स अ टाइम गैप बिटवीन कैश इन्वेस्टेड एंड कैश रियलाइज, दिस साइकिल कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर टिल बिजनेस कंटिन्यूस। सो हाउ डू वी कैलकुलेट, वेरी सिंपल, कितना दिन लगा रॉ मेटेरियल को प्रोडक्शन में जाने में, क्योंकि ऑलरेडी कोई माल प्रोडक्शन में पड़ा हुआ होगा, या मान लो देर आर सम प्री प्री रिक्विजिट या देर आर सम प्री प्रिजर्वेशन क्राइटेरिया कि कुछ दिन तक प्रिजर्व करो उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम जब खरीद के लाते हो तो उसको इमीडिएटली खाते नहीं है, थोड़ा सा जब गल जाने का डर रहता है, इसलिए पहले रेफ्रिजरेटर में उसको प्रिजर्व करते हैं, उसके बाद यू कंज्यूम इट राइट। WIP होल्डिंग पीरियड, दिस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, प्लस डेटर्स होल्डिंग पीरियड, हाँ, सो दिस इज द गैप बिटवीन कैश इन्वेस्टेड एंड कैश रियलाइज्ड। ठीक है, हाँ, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, रॉ मेटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट, रॉ मेटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंप्लीटेड, फिनिश गुड सोल्ड,
डेटर्स कलेक्टेड। जनता मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने रॉ मटेरियल कितने दिन तक प्रिजर्व किया है इस एग्जाम्पल में? 10। प्रोडक्शन में कितना दिन लगा? 10। माल कितने दिन में बिका? 10। और पैसा कितना दिन में आया है? सही है ना? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, यहां आपने क्रेडिटर्स को पैसे भरे हैं तो आप पहले क्या अज्यूम कर रहे हैं कि आपका पैसा डे जीरो से फंसा हुआ है? नहीं, उधार में आया हुआ है माल है, पैसा फंसा हुआ नहीं है। मतलब पहला 25 दिन आपका पैसा फंसा हुआ नहीं है, आपने भी किसी का पैसा फंसा के रखा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड। क्या बोलेंगे इसको? समझ गया मेरा बात? तो ये जो हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन बोल रहे हैं, एक्चुअली यहां पे कैश इन्वेस्टेड है, यहां पे एक्चुअली यहां पे कैश रियलाइज्ड है। तो टेक्निकली स्पीकिंग WCCD मेरा 45 डेज आना चाहिए। पच्चीस से 70 ये मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन हुआ। मैंने वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन में क्या लिखा है आपको, क्या लिखा है यहां पे? कैश इन्वेस्टेड से लेके कैश रियलाइज्ड। यहां मैंने उधार में खरीदा है, क्रेडिटर को यहां पैसा दिया है मैंने। देखने दिन में देखने से लगता है कि 70 दिन से पैसा फंसा हुआ है, लेकिन तुमने भी तो किसी का पैसा फंसा रखा है। तुमने भी तो किसी का पैसा फंसा के रखा है। राइट? सो इट इज हियर माइनस क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड माइनस 25 डेज इक्वल्स टू 45 डेज। So this portion is gross working capital cycle duration and this portion is net working capital cycle duration.
ठीक है। नाउ वर्किंग सिस्टम इज जस्ट लाइक ब्लड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड जो होता है ना, लाइफ ब्लड, वर्किंग कैपिटल उस चीज का काम करता है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम ब्रेक हो जाएगा, आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। आपके पास डिमांड है लेकिन आपके पास रॉ मेटेरियल नहीं है, राइट? सो यू नीड टू मेंटेन एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। कैश इन्वेस्टेड यहां नहीं है, कैश इन्वेस्टेड इधर है, राइट? तो इफेक्टिवली यू कैन सी दैट यू नीड लोन ऑन डे 25, नॉट ऑन डे जीरो। डे जीरो आपको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, डे 25 में है। तो यहां पे आपका कैश इन्वेस्टेड है, राइट? इधर में आपका कैश इन्वेस्टेड है, आउट हियर योर कैश इन्वेस्टेड, यहां पे ये वाला जगह पे आपका कैश इन्वेस्टेड है, ये क्या? तो 45 डेज। सो पहले ग्रॉस निकालेंगे, उसमें से क्रेडिटर होल्डिंग पीरियड माइनस कर देंगे, सो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन आ जाएगा, राइट? नाउ वर्किंग कैपिटल के काफी फायदे हैं इफ यू हैव एडिक्वेट फंड्स इन योर हैंड। तो अगर आप मान लीजिए कई बार सप्लायर कुछ ऑफर देता है कि अभी बंपर ऑफर चल रहा है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, सो इस सिचुएशन को आपको कैपिटलाइज करने के लिए आपके पास फंड्स होना चाहिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो क्या आप इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के क्या क्या फायदे हैं। एक तो आपका प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा, राइट? नहीं तो आपको एडवांस लेके काम करना पड़ेगा। सो काफी सारा इंपॉर्टेंस भी है, समझ में आया? तो आई थिंक व्हाई वर्किंग कैपिटल इज नीडेड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इसमें एक टॉपिक था वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज कैश इन्वेस्टेड एंड कैश रियलाइज्ड, इतना। एंड जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको निकाल लेने का नहीं है। हाँ, डोज ऑफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शुरू में इन्वेस्ट किया 100, लेकिन वापस आया 120, क्योंकि आप 100 आपने खरीदा तो बेचेंगे तो 120 में ना, तो 20 20 प्रॉफिट। तो अगले साल आप धंधा कितना से करेंगे? 120 से। फिर उसका 20% 144 रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस आफ्टर एवरी साइकिल अ डोज ऑफ प्रॉफिट इज गेटिंग एडेड, तो योर बिजनेस विल ग्रो। लेकिन मान लो आपका 100 लगाया, 120 आया, आपने 20 खा लिया, नेक्स्ट साइकिल में आप धंधा कितना से कर रहे हैं? 100 से। अगेन 120 आएगा, 20 खा लिया, तो योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, राइट? सो यू नीड टू प्लाउ बैक। सो आफ्टर एवरी साइकिल नोट, वर्किंग कैपिटल needs to be maintained throughout the year, year after year, after every cycle a dose of profit is getting added, which resembles retained profits. इसका मतलब है कि retained profits, ग्रोथ विल बी फास्टर, ठीक है? ये अगर आप प्रॉफिट निकाल लेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, राइट?
एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. नो स्टॉक आउट, राइट. बिजनेस इज सॉल्वेंट, एबल टू टू पे क्रेडिटर्स वेजेस. मतलब आपका प्रोडक्शन बंद नहीं होगा कभी भी. हेल्प्स इन क्रिएटिंग गुड रिलेशनशिप विथ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स. मतलब आप आपका वेंडर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा, सो ऑटोमेटिकली आपको फंड्स अब आगे जाके आपको उधारी देने लगेगा वो. कैश डिस्काउंट ऑफर्स कैन बी अवेल्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ability to face crisis improves efficiency. ठीक है, सो और भी बहुत सारा एडवांटेजेस है, बट वो सब जान के फायदा नहीं उतना. नाउ जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वर्किंग कैपिटल जो अमाउंट डिटरमाइन करना, उसमें फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करना है. फैक्टर्स for determining working capital. सबसे पहला बात, scale of operation. जितना बड़ा scale of operation होगा उतना ज्यादा working capital का requirement होगा, as simple as that. Directly related to working capital. Right? Nature of business भी बहुत बड़ा role play करेगा. जो लोग cash में माल बेचता है उन लोगों को कंपैरेटिवली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है. बिजनेसेस विच हैव
castles have low working capital requirement. Length of production process directly related. जितना दिन production में लगेगा उतना ज्यादा working capital फंसा हुआ रहेगा. पुचका वाला daily बनाता है daily बेचता है, झमेला ही खत्म. Think about construction industries में जो लोग हैं, एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने में 5 से 6 साल लगता है. इसीलिए आजकल क्या करता है वो लोग, जब नींव खड़ा करता है उसी समय थोड़ा थोड़ा एडवांस मनी लेते जाता है, राइट? नहीं तो इतना बड़ा फंडिंग कहां से लाएगा वो लोग भी. ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन जो मैंने अभी बताया, राइट? परचेज से लेके कैश रियलाइज तक, ठीक है? लॉन्गर द ड्यूरेशन लार्जर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है मालूम है? कस्टमर को मैं कितना दिन का उधारी दे रहा हूं, राइट? डेटर का अगर क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा है, ज्यादा दिन का उधारी है, मतलब डेटर्स होल्डिंग पीरियड अगर हाई है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड अगर हाई है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. ये तो अभी बताया ना, जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतना अच्छा है. सो ये तो मैंने कुछ कुछ फैक्टर्स बोले, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. माल कितने दिन में बिक रहा है, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर अगर स्लो मूविंग है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. फास्ट मूविंग, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए.
ठीक है। अभी हम लोग इसका बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। एक है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन मेथड, दूसरा है फोरकास्टिंग नेट करंट एसेट मेथड। स्टेप वन, कैलकुलेट WCCD, नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर, 365 डेज / 12 मंथ्स बाय WCCD। WCCD अगर मंथ्स में तो ऊपर में 12 मंथ्स लिखेंगे, WCCD अगर डेज में तो ऊपर में डेज लिखेंगे, WCCD अगर वीक्स में तो नीचे वीक्स लिखेंगे ऊपर में, राइट। तो इससे ये पता चल जाएगा साल में कितना साइकिल है। नंबर ऑफ मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा मालूम है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो चीजें आएगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो इससे मेरा ये वाला हो गया, यहां पे कैलकुलेट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी यूजिंग होल्डिंग पीरियड। देन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू समेशन करंट एसेट समेशन करंट लायबिलिटी। तो स्टॉक, डेटर्स, कैश, यहां पे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस,
इज इट डन एवरीवन? ठीक है, अभी इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट अस टॉक अबाउट मैनेजमेंट। थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, नीदर टू हाई नॉट टू लो, राइट? एंड वी हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। हम लोग उसके बारे में भी बात किया, राइट? कि वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है, पेमेंट करना है, स्टॉक मेंटेन करना है, डेटर को उधार में बेचना है, तो उसके लिए अपने को पहले से खरीद के बनाकर बेचना पड़ेगा, राइट? वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन क्या होता है, ये साइकिल जितना लंबा होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा होगा, राइट? सो अपने अभी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था कि प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मतलब जो उधारी है उतना में पैसा देना है, कैश डिस्काउंट ऑफर अगर आए तो उसको लपक लो, राइट? एंड कोई क्राइसिस सिचुएशन होगा तो उसको मीट आउट करने में मेरे को हेल्प करेगा, एंड एफिशिएंसी मेरा इंप्रूव होता है, एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है, उससे सभी कोई अच्छे से काम करते हैं, एंड दीज आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। देखो ऑपरेशन बढ़ना अच्छी बात है, ऑपरेशन बढ़ना अच्छी बात है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ये नॉर्मल सा नेचुरल सा चीज है। जिस धंधे में कैश सेल्स होता है एंड जो फास्ट मूविंग है, इसमें इनफैक्ट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ जाता है। जैसे चार्ट सेंटर्स, इनका सुबह लोग जो बनाता है शाम तक सारा बेच देता है, राइट? तो इनका फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड नहीं है, इनका डेटर होल्डिंग पीरियड भी नहीं है, मतलब कहने का मतलब इनका इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट है ही नहीं। फर्दर ये लोग जो रॉ मेटल खरीदता है वो महीना भर का उधारी में ले लेता है, इतना बल्क में खरीदता है, इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया, उधार में दे रहा है, तो क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड एंजॉय कर रहा है बट आगे किसी को पास ऑन नहीं कर रहा, तो इनफैक्ट ये सामने वाले के पैसे से धंधा कर रहा, अपना पैसा तो लगाया ही नहीं इसने कुछ भी। लीकर शॉप्स वगैरह में क्या होता है, जहां से आप माल खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में अलग से एक स्टोर मेंटेन किया जाता है, जहां पे पूरे महीने भर का राशन वो लोग स्टोर करता है, उनका जो भी मेन्यू है उस हिसाब से राशन खरीदता है, वो स्टोर करता है, उसमें उनको क्रेडिट पीरियड एंजॉय करता है, बट जो खाना बना के रेस्टोरेंट सर्व होता है वो तो कैश में है। थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, कैश में है। तो इन जहां पे आपका कैश सेल्स है वहां पे लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या एट टाइम्स यू माइट फाइंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। राइट? इज इट फाइन? क्या है, इनफैक्ट नेगेटिव चला जाता है, तो इसको मैनेज कैसे करें? नेगेटिव तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप अपना पैसा से नहीं, आप किसी और का पैसा से धंधा कर रहे हैं, डेटर को आपको उधार देना नहीं है, कैश आपको मेंटेन करना नहीं है, माल बेच के जो पैसा आता है वही आप अपने मजदूर लोग को शाम को दे देते हैं, बाकी पैसा घर ले जाते हैं, और महीना भर के बाद में आप क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, सोच के देखिए। सो अगर मेरे को वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है, मतलब मेरे को ये ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, राइट?
हैव टू रिड्यूस दिस ड्यूरेशन, मेरे को ड्यूरेशन को कम करना है। ये ड्यूरेशन कम कैसे होगा, मेरे को अलग अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मेरे को अच्छा क्रेडिट पॉलिसी लेके आना पड़ेगा, ज्यादा उधारी देके तो ज्यादा माल सबको ही बेच सकता है, चालाकी से माल बेचो। तुम भी अपने कस्टमर को डिस्काउंट पॉलिसी दो, उसको बोलो कि भैया देखो 30 दिन का उधारी है, आप अगर 10 दिन के अंदर पैसा दे देंगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। इसको अपन बोलते हैं 2/10 नेट 30। देयर इज वन कैश डिस्काउंट पॉलिसी, राइट। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आ सकता है, हाउ टू रिड्यूस ड्यूरेशन। कैश डिस्काउंट पॉलिसी 2/10 नेट 30, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल क्रेडिट पॉलिसी इज 30 डेज, बट टू परसेंट डिस्काउंट इफ पेड विद इन 10 डेज। तो अच्छा डिस्काउंट पॉलिसी लेके आओ। अच्छा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को समझो, उसको ऑटोमेशंस में लेके आओ। इससे आपका इन्वेस्टमेंट होगा थोड़ा बहुत, पुराना पार्ट्स वगैरह को हटा के नया मशीनरी डालना पड़ेगा, बट इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा, राइट। सेल्स ऑफर्स लेके आओ, जल्दी जल्दी माल बिकेगा, टारगेट दो। इस महीना अगर आप 3 लाख का माल खरीदेंगे तो आपको मैं 5% का एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो करो। जस्ट इन टाइम क्या होता है, इमीडिएटली व्हेन यू रिक्वायर देन यू परचेज रॉ मटेरियल। राइट, सो इस तरीके से सम वेज टू रिड्यूस WCCD लोअर वर्किंग कैपिटल, ये कुछ तरीका है। राइट, जस्ट इन टाइम इज इमीडिएटली व्हेन यू रिक्वायर देन यू परचेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज परचेस्ड जस्ट बिफोर इट इज रिक्वायर्ड, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक, व्हेन द गेस्ट गोज आउट ऑफ द हाउस देन वी कॉल आवर चिल्ड्रन एंड टेल की कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। राइट, सो इस तरीके से हम लोग अपना ये क्या बोलते हैं आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। राइट, और भी बहुत सारा तरीका है, ये तो कुछ तरीके मैंने बताए हैं कि जिससे कि आप अपना होल्डिंग पीरियड को कम कर सकें। जस्ट इन टाइम अप्रोच फॉलो करेंगे तो प्रिजर्वेशन का क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। राइट, अच्छा सेल्स ऑफर करिए तो जल्दी जल्दी माल बिकेगा, कैश डिस्काउंट पॉलिसी लगी तो जल्दी पैसा आएगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो WIP होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।